हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक। और हम आ चुके हैं एक और क्वार्टर फाइनल में। 57 वेट कैटेगरी में जैस्मिन खेल रही है और आई एम जस्ट गेटिंग यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। लेकिन जैस्मिन यहाँ पर थोड़ी सी लंबी है कंपेयर टू न्यूजीलैंड के। क्या रीत ज्यादा है। और एक राउंड हो चुका है, देखते हैं स्कोर क्या हुआ है भाई। जल्दी कंफर्म हो जाएगा एक और बॉक्सिंग का। एक बॉक्सिंग भी अपने को थोड़ा दे रही है वैसे, है ना। हाँ यार, थोड़ा सा नहीं कम है उससे, कम है ऑब्वियसली, कम है उससे। उसमें गोल्ड मेडल काफी थे, तीन गोल्ड मेडल वहीं से ही आए अपने पास। तीन गोल्ड मेडल आ गए तो, पहली बात। यस दैट्स ट्रू, वो तो फर्क है ही, बट आई थिंक मेडल की टैली तो बढ़ रही है ना। जो मेडल की टैली रुक गई थी, एटलीस्ट वो बढ़ गई है। एक राउंड पूरा हो चुका है। लवलीना क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैस्मिन का क्यों, लवलीना क्यों, क्यों लवलीना, यही मैं बोलने वाला। कॉन्ट्रोवर्सी क्या लवलीना, ये इसलिए आपने की थी क्योंकि आपको पता था कि आप हारने वाली है, ये आपको इसलिए आपने किया था? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। आई थिंक दैट शुड बी सीरियसली लुक्ड एट एक्चुअली, क्योंकि अगर क्या इट है, इट है, इट हैज एक्चुअली ना। नहीं उसके बाद, बट हां बोला है, उसके बाद उसके परफॉर्मेंस इतनी मतलब एक्सपेक्टिंग था यार। मतलब ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, आप कॉमनवेल्थ का मेडल तो एक्सपेक्ट करोगे। एग्जैक्टली, और 5-0 से, यूनानिमस डिसीजन से जैस्मिन लीड कर रही है। ट्रॉय गार्टन है अपोनेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड। जैस्मिन यहां पर पहला राउंड क्योंकि 5-0 से जीत चुकी है। तो हेलो भाई लोग, आई एम न्यू टू योर चैनल। अरे थैंक, हाय भाई, हर घर तिरंगा, वेलकम ब्रदर, वेलकम। कैसे हो आप, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे भाई। काफी एविडेंट यहाँ पर अपने को ये दिख रहा है ना, मतलब डिफरेंस हाइट का, रीच देख उसकी, रीच विंग स्पैन देख भाई उसका, जैस्मिन का। दूसरा राउंड 2:10 बाकी है अभी। जैस्मिन और गार्टन के बीच में मुकाबला, जैस्मिन इंडिया से, गार्टन न्यूजीलैंड से। इस बार इंडिया न्यूजीलैंड काफी फंसी है, काफी बड़े फसी मुकाबलों है, में, बड़े मुकाबले में। यस, लॉन बॉल्स में भी हो, लॉन्स बॉल मेंस में भी हो, हर जगह इंडियंस और न्यूजीलैंडर्स का थोड़ा सामना चल रहा है अभी। थोड़ा सा मैं जैस्मिन के बारे में, विराट कोहली, केन विलियमसन वर्सेस विराट कोहली, ये नहीं करना चाहिए हर चीज क्रिकेट। नो, दिस इज जैस्मिन वर्सेस गार्टन, जैस्मिन वर्सेस गार्टन, राउंड 2, 2 बचे सेकेंड राउंड के। और अरे जैस्मिन को राइट हुक पड़ा भाई गार्टन से। अभी जैस्मिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, होगी कहां से, ऑब्वियसली भिवानी हरियाणा, यस, साउथ पॉ। 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। उसके अलावा बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट उसमें आई थी, उसमें भी सिल्वर मेडलिस्ट था। यहां पर एक अच्छा लीड हमको मिल रखा है ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में। क्या 9-10 था या और ज्यादा? 9-10, बट यूनानिमस 5-0 था। सो अगर 5-0 के बाद में ना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता, मुश्किल तो हो जाता है आपको दोनों राउंड में, एटलीस्ट 3-3 जीतने हैं, अबाउट 3-3 बेसिकली रेफरीज, हां रेफरीज के सामने जीतना है। बट आई थिंक, हां ये देखना, आई थिंक वो वापस आ रही है क्योंकि उसको पता है हार रही है जैस्मिन राउंड में। आई थिंक इस राउंड में गार्टन वापस आई है, वो रीच को आई थिंक कोच से सलाह मिली है उनको कि आई थिंक पास जाके खेलने को बोला गया है। भाई आज का मेडल मैच कौन सा है? भाई आज का मेडल मैच, ये मेडल मैच है, मेडल मैच नहीं है ना ये, मतलब अच्छा, मेडल मैच नहीं है, मेडल मैच कंफर्म हो जाता है, बस इट्स नॉट अ मेडल मैच। अपन कैसे समझेगा कि कौन सा मेडल है? हाँ ठीक है, वो नहीं है बट अरे 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 जैस्मिन डांसिंग ऑन द फ्लोर, on the boxing floor this time. Oh, क्या बात है, क्या बात है। Good left hand jab from Jasmine Garten. Garten अंदर जाते हुए दोनों प्लेयर ने एक दूसरे को पकड़ा, desperation, अलग कराया Garten से गेम को, दोनों वापस जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। और दूसरे राउंड की समाप्ति, स्कोर देने देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक स्प्लिट डिसीजन आने वाला है इस पे। मेरे हिसाब से तो जैस्मिन फाइव लो यूनानिमस, फाइव नील यूनानिमस डिसीजन। बैठे काफी गार्टन को, बहुत रीच है, पहुंच ही नहीं पाती भाई, दूर रहेगी ना अगर जैस्मिन तो ये गेम सिक्योर है उसके लिए। अरे अरे हाय, लीड ले चुकी है, बिल्कुल ले चुकी है। दूसरे राउंड के बाद स्कोर का इंतजार,
स्प्लिट था ना, नहीं स्प्लिट नहीं था, 19 अच्छा स्प्लिट था भाई, स्प्लिट था, दो थे एक, मतलब दो लोगों, एक ने टाई किया है, 3-2 था ये, हां 3-2 था, बट 2-3-1 था एक्चुअली, एक ने टाई किया है ना, हां तो वो उसका भी मिला होगा 3-2, वही बोल रहा था मैं कि हो सकता है कुछ राउंड मिले उसको। अरे अरे गार्टन जाते हुए, गार्टन को इस राउंड में भी 3 जजेस का सपोर्ट चाहिए। जैस्मिन अपनी पोजीशन डिफेंड करते हुए, इंपॉर्टेंट राउंड होगा ये, मेडल उम्मीद भारत की इस पे है। गार्टन पूरे अग्रेसिवली जा रही है, क्या जैस्मिन होल्ड करेंगी? जैस्मिन और अपने और मूव करना पड़ेगा रिंग में, जैस्मिन को मूव करके अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि रीच से दूर रहना है गार्टन की, और जैस्मिन की रीच काफी अच्छी है यहाँ पे, फिर पास आई पर जगह बनाने में असफल रह रही है यार अभी जैस्मिन। ये ठीक है, ये देखिए ये गेम वेरी गुड, कोच से पीछे से पड़ा होगा, कमेंट्री कमेंट्री सुन नहीं पाते ना, लेकिन तो कमेंट्री में काफी चिल्लाते पीछे से लोग, मतलब कोची कोची डिस्टेंस डिस्टेंस, अरे 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 क्या बात है, क्या बात है, क्रिकेट लाइफ इज सेइंग हेलो ब्रो, नेक्स्ट गोल्ड कब आएगा, नेक्स्ट गोल्ड दोनों आ जाएगा भाई, जल्दी आ जाएगा ऐसा लग रहा है। बॉक्सिंग में चांसेस है, बैडमिंटन में, लेकिन आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं है ना, आज कुछ नहीं है भाई। गार्टन देख रहा है, मस्त घूम रही है वो पूरे कोर्ट में, अच्छा अरे शॉट यार, नाइस नाइस, जैस्मिन भारत की जैस्मिन दो राउंड में अभी तक लीड पे है गार्टन के, गार्टन वापस आती हुई एक लेफ्ट फुट जैब मारा है वापस जैस्मिन ने किया, बट डिफेंड किया गार्टन ने, कुछ ज्यादा अग्रेसिव लग रही है मेरे को यार, मस्त अच्छी लग, और यार दो पंचेस पड़े इसमें, वही तो भाई, अगर उसको 3 जजेस का फेवर मिला तो वो जीत रही है, हाँ जीत रही है, एक मिनट फिर पड़ा, अरे यार आखिरी टाइम पे एक मिनट बचा है, जैस्मिन को यहाँ पे एक गेम बचाना है, अरे यार क्या तो पड़े यार 2-3 तो, ये मुश्किल हो गया यार ये गेम, गेम काफी के लिए मुश्किल, ये यूनानिमस डिसीजन लग रहा है 5-0 का गार्टन के लिए अभी तक, थर्ड राउंड जब तक जैस्मिन भाई टायर्ड, शी इज टायर्ड एंड कुछ कर सकती है तो अगेन ग्रेट हुक, राइट हुक आल्सो जैस्मिन का, गार्टन ने भी कनेक्ट किया अपने लेफ्ट से, 25 सेकेंड इंपॉर्टेंट 25 सेकेंड जैस्मिन के, जैस्मिन को यहाँ पे एक आखिरी अंडर हुक के लिए ट्राई किया बट मिस किया, 11 सेकेंड 10 एक दो तीन अच्छे टाइम है, दो पंचेस जैस्मिन के, दो पंचेस एक कनेक्ट हुआ, ये भी हुआ लेकिन इसका तो कमॉन 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 खत्म है, 3 राउंड्स डन, इस इज गोइंग टू बी वेरी टेंस, इट्स गोइंग टू बी वेरी टेंस, मेरे को लग रहा है कि एक लास्ट राउंड वो 5-0 ना निकाल गई हो, 5-0 छोड़ो 3-2 ही निकालना है उसको बस, दिस इज 3-2 ही निकाल गई, गार्टन्स मैच नहीं यार 3-2 कैसे, अगर वो 5-0 था वो वाला, और 3-2 नहीं 19-19 था ना दोनों इस पे, तो थर्ड राउंड का ऐड होके आएगा, ऐड होके आएगा, 21 इयर्स ओल्ड जैस्मिन, देख लेट्स सी, पढ़े तो है जैस्मिन के, ऐसा नहीं है, हाँ यार ये बात के बाद वाले हाइलाइट्स काफी मिसलीडिंग होते हैं, हाँ वो तो, वो उनको जो शॉट्स मिले वो दिखाते हैं, सोनी 6 भी है ना, हाँ अरे अरे देख रहे तो उस पे दिखा रहे हैं, काफी कमेंडेबल है भाई गार्टन से, मतलब अच्छा के लिए रीच उसकी थी, पर ये आई थिंक व्हाट इज हर एज, गार्टन नहीं नहीं जैस्मिन 21 प्रोस्पेक्ट है यार ऑब्वियसली, वो भी लवली ना भी 21-22 है अभी, हाँ देख यार याद तो कर रहा है, गिरी लेवल रीच, क्रिकेट लाइव हाई, नेक्स्ट टाइम लग रहा है कब आएगा, यस यस इंडिया जैस्मिन, ओह यस अनदर मेडल, अबाउट अनदर मेडल कंफर्म फॉर इंडिया, जैस्मिन विंस अगेंस्ट गार्टन फ्रॉम न्यूजीलैंड, स्प्लिट डिसीजन से जीता अपन ने मैच, काफी हार्ट्स तोड़ते हुए इस बार कॉमनवेल्थ में, हमसे आगे अभी भी पर वो अपने अपने से आगे हैं, आई थिंक वो हम लोग को वापस करने का, बट यस कम ऑन जैस्मिन, यहीं पे इंडिया वर्सेस वेल्स, अरे मेंस का मैच लग गया, सोनी 6 बहुत एक्साइटेड है मेंस हॉकी दिखाने के लिए, और ये बड़ा मैच है वेल्स के साथ, ये जीतना है भारतीय टीम को, ये जब टूर्नामेंट में गए होंगे तो ये वाला मैच टिक किया होगा कि ये इसमें पूरे पॉइंट लेके जाएगी भारत, और एक पेनल्टी कॉर्नर मिला इसी के साथ भारत को, जल्दी अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए
वेल्स क्वार्टर वन, तो इसको हम लोग वापस जारी करेंगे इस मैच को या नहीं करेंगे इस मैच को? एंड में जारी कर सकते हैं क्योंकि ये तो हम सेमीफाइनल्स में है, स्कोर देखने लायक हुआ। बट एनीवे ये मैच फिर भी जीतना जरूरी है, इसमें एक विनिंग मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए भारतीय टीम का हॉकी में, और जैसे गेम में जो फ्लोइंग गेम है उसमें विनिंग मोमेंटम पासिंग बड़ी जरूरी चीज होती है। तो या गाइस अनदर मेडल कंफर्म्ड, अनदर मेडल ऐसे कर करके आई थिंक पहले तीन और आज दो, ऐसे कुछ टोटल पांच बॉक्सिंग के मेडल कंफर्म हो चुके हैं। अभी 8 बजे सागर का मैच होगा 92 वेट कैटेगरी में, सुपर हैवी वेट होता है ना वो, नहीं हैवी वेट होता है, हैवी वेट होता है 90 प्लस 92 प्लस, सुपर हैवी वेट। तो 92 वेट कैटेगरी में सागर का मुकाबला होगा, पिछला बाउट बहुत ही तगड़ा खेला था उन्होंने, तो वी आर होपिंग के इस बार भी और एक मतलब छठा मेडल कंफर्म हो जाए इंडिया के लिए। एंड या अगर ये मैच इंटरेस्टिंग होता है तो विल बी बैक फॉर दिस एज वेल। एक पेनल्टी कॉर्नर देख के, पेनल्टी कॉर्नर देख के जाते हैं भाई, भाई आज ही लॉन्ग जंप फाइनल है, भाई आज लॉन्ग जंप फाइनल है, आई जस्ट चेक, मेरे को डाउट लग रहा है, एक मिनट भाई, विल चेक और अगर होगा तो आते हैं, हम लोग को नहीं दिख रहा हमारे शेड्यूल में, बट ओके हां लॉन्ग जंप फाइनल है 12 AM रात को, आज आएंगे भाई, कल है मेरे भाई, दैट्स व्हाई हमारे शेड्यूल में तो आएंगे पक्का आएंगे उसके लिए हम लोग, फॉर श्योर विल बी लाइव फॉर दैट एज वेल। नहीं हो गया क्या ये पेनल्टी? हाँ हो गया, ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, भाई लोगों हम लोग वापस लाइव आएंगे, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, आप लोग नए दिख रहे हो हर घर तिरंगा भाई, सब्सक्राइब करो, हम लोग कॉमनवेल्थ अपडेट्स के साथ रेगुलरली आ रहे हैं और सारे स्पोर्ट्स कवर करते हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करो, जब लाइव आएंगे तब पता चलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस क्रिकेट लाइव भाई, तुम तो हो ही ऋषिकेश, थैंक यू, वापस आते हैं हम लोग जल्दी, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।